Dear students, welcome to the classes of RE Academy. We are studying retirement of a partner and the concept is preparation of revaluation account, partner's capital accounts and balance sheet. Question A, three partner. Kanika, Disha, Kabir were partners sharing profits in the ratio of 2:1:1. On 31st March of the current year, their balance sheet was as under. Balance sheet दे रखा है. Balance sheet में asset side में profit and loss account है. अजीब सा item. Extraordinary item. तो उसको capital account के debit में, retirement में, तीनों partner में write off कर देंगे. और हमें बोल रहा है Kanika retired on 1st April of the current year. For this purpose, the following adjustments were agreed upon. इसमें गुडविल के बारे में बोला है. लिखा है गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड इयर्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट. द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वेयर 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है. लास्ट 2 इयर्स प्रॉफिट दे रखा है. करंट ईयर का प्रॉफिट है नहीं, 3 साल का प्रॉफिट का एवरेज लेना पड़ेगा. तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो प्रॉफिट है दैट इज लॉस, वो लॉस को माइनस करना पड़ेगा. तो 3 साल हो गया, स्टूडेंट ढूंढेगा कि कहाँ है 3 साल का प्रॉफिट, बट 2 साल का प्रॉफिट नीचे दे रखा है. और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो वो लायबिलिटी साइड में दिया होता है दैट इज प्रॉफिट, बट यहाँ पे एसेट साइड में दे रखा है कर इंटरेस्ट प्रॉफिट. 3 साल का प्रॉफिट हो गया. और गुडविल ट्रीटमेंट के लिए आपको पता है आपको सैक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा रिटायरमेंट में. तो ओल्ड रेशियो कनिका दिशा कबीर का 2:1:1 दे रखा है एंड कनिका रिटायर्ड, तो दिशा कबीर का न्यू रेशियो होगा 1:1 वही रहेगा. देन गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, तो दिशा का होगा 1/4 और कबीर का होगा 1/4. ये देखो ये दोनों का सेम है, दिशा कबीर का न्यू एंड ओल्ड, तो सैक्रीफाइस भी सेम होगा बट हमें कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे. देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ दिशा कबीर 1:1. इसके बाद गुडविल ऑफ द फार्म, गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज, तो 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इयर्स परचेज. 2 साल का लॉस दे रखा है और लास्ट ईयर का 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है एडजस्टमेंट 1 में. लास्ट ईयर का लॉस दे रखा है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दे रखा है. डिवाइडेड बाय 3 इयर्स इनटू 2 इयर्स परचेज दैट इज इक्वल टू 1,40,000. ये 1,40,000 जो होगा दिस इज गुडविल ऑफ द फार्म. गुडविल ऑफ द फार्म को आप हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें जो रिटायर हो रहा है कनिका उसका शेयर निकाल लेंगे 2/4. कनिका कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर गुडविल इज इक्वल टू 1,40,000 का 2/4. और डेबिट किसका होगा, कौन देंगे ना, दिशा और कबीर ये दोनों देंगे. दिशा कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर गुडविल 70,000 का 1/2 या 1,40,000 का 1/4, कैसे भी कैलकुलेट कर लो. 70,000 का हाफ ले लो इस रेशियो में, हाफ हाफ, या 1,40,000 का 1/4. और कबीर भी सेम 1,40,000 का 1/4. ये दोनों दिशा कबीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और कनिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. 35,35,70,000. देन गुडविल ट्रीटमेंट का नॉर्मल स्लोगन, कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये रिटायरमेंट में होता है. देन हमारा जो जर्नल एंट्री में यहीं पे लिख देता हूँ रॉक में, ये वर्किंग नोट में आ गया और आपके लेफ्ट साइड में फेयर नोट बना दूंगा. This is दिशा कबीर to कनिका कैपिटल अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री बना दिया ताकि इसको पोस्ट करने में कैपिटल में आसान रहेगा. Now come to the fair note. Last line में बोला है prepare revaluation account, capital accounts of the partners and the balance sheet of the reconstituted firm. Revaluation account, partners capital accounts and balance sheet on 1st April after retirement of Kanika. तो आपको पता है बैलेंस शीट को हमेशा ब्लैंक उतार दो, विदाउट एनी वैल्यू, खाली आइटम्स उतारो. कैपिटल अकाउंट में दिशा और कबीर का लिखो, दिशा कबीर दोनों का,
क्योंकि कनिका रिटायर हो रहा है तो कनिका का लोन अकाउंट में लिखो और सब कुछ आज इट इज नाउ स्टार्ट। एक लाइन पढ़ो एक लाइन करो। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रेक डाउन। इसमें आपके कैपिटल बैलेंस दोनों का 1 लाख, ये तीनों का लिखना है, 2 लाख 1 लाख एंड 80,000, तो इसको लिख दिया। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एसेट साइड में ये था लॉस, तो इसको यहाँ पे राइट अप कर दो, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और ये जर्नल एंट्री, उसको लिखने से पहले ये जर्नल एंट्री भी पोस्ट कर सकते हो, दिशा कबीर टू कनिका, दिशा कबीर टू कनिका 35 35, दिशा कबीर में टू कनिका 35 35, और कनिका में बाय दिशा कबीर। तो दिस इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्री, गुडविल का पोस्ट कर दिया, ये जर्नल एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर दी, दिशा कबीर टू कनिका। मैंने जानबूझ के इंक कलर सेम रखा हुआ है, तो हाउ द जर्नल एंट्री बी पोस्टेड, दिशा कबीर टू कनिका, तो कनिका में बाय दिशा कबीर। देन नेक्स्ट वन इज आपके रिवैल्यूएशन बी पार्ट, फिक्स्ड एसेट्स वेयर टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख, फिक्स्ड एसेट में 3 लाख, 2 लाख 60 40 था, 60,000 बढ़ गया, बाय फिक्स्ड एसेट 60,000, और यहां पे तुरंत बढ़ा दो, बाद में बच्चे भूल सकते हैं, याद नहीं होता है, तो अगर इंस्टेंट कर लोगे तीनों ब्लैंक बनाकर तो आपके कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो बाय फिक्स्ड एसेट 3 लाख, तो यहाँ पे 60,000 बढ़ाया और यहाँ पे ऐड करके लिख दिया। स्टॉक इज वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, यानी स्टॉक भी 20% बढ़ जाएगा, 1 लाख का 20% होता है 20,000, बाय स्टॉक 20,000, और स्टॉक में तुरंत बढ़ाकर लिखो, स्टॉक का 1,20,000 लिख दो, 120% वैल्यूएशन हो गया। द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट, बस रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, 80,000 बड़ा है डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट होगा, टू कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो, दिशा कनिका, कनिका दिशा कबीर 2:1:1 में ट्रांसफर कर दो, और बाय रिवैल्यूएशन में लिखो। अभी हमें पहले ट्रांसफर करना चाहिए था, बट अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 को 2:1:1 10 5 5 करके ट्रांसफर कर दो। कनिका रिटायर कर रही है, उसका पहले कैपिटल अकाउंट टोटल करो, इसको डेबिट साइड में लिखो। जो पार्टनर रिटायर हो जाते हैं उनको कैश पे करते हैं, बट हमारे जब तक बताए नहीं चेक या कैश पे करने के लिए, उसको लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट 4 बी पार्ट में बोला है, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट टू कनिकास लोन अकाउंट 3 लाख, कनिकास लोन में 3 लाख लिखो, कनिकास लोन 3 लाख, दिस इज डन। और दिशा कबीर को टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो, डिफरेंस विल बी देयर कैपिटल, के ही दोनों रहेंगे टू बैलेंस सीडी, ये टू बैलेंस सीडी कैपिटल 80,000 दिशा का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, कबीर का कैपिटल अकाउंट में 60,000 ट्रांसफर करो, देन बाकी जो रहेगा उसको भर दो। नाउ योर रिवॉल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोथ आर क्लोज्ड, तो एसेट साइड में बैंक को क्वेश्चन से उतारो और डेटर को भी डायरेक्ट उतारो, इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स को उतारो, इसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को उतारो, देन दोनों साइड टैली कर दो, दिस इज ऑल अबाउट, टैली कर दो, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।